है कि भाजपा जिसको आप हराना चाहते हैं, विरोधी जो भी उनके दल है, अब किसी को भी अगर आप हराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना है कि उनकी ताकत है क्या, भाजपा को वोट लोग क्यों देते हैं। जब तक आप उसकी ताकत को समझकर उससे बेहतर कोई प्रयास नहीं करेंगे तब तक लोग वोट आपको क्यों देगा। तो जो भाजपा को वोट मिलता है वो मोदी के ग्राफ ऊपर नीचे से नहीं मिलता है। भाजपा को वोट मिलने के चार कारण है। पहला, हिंदुत्व जो उनकी एक विचारधारा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाजपा को इसलिए वोट करता है कि उसका भाजपा वाले हिंदुत्व में यकीन है। दूसरा, जो ये नियो राष्ट्रवाद की बात शुरू हो गई है, जो गांव जात में आप सुनते हैं कि भारत विश्व का गुरु बन गया, पूरे विश्व में भारत की शान मोदी जी ने बढ़ा दी, इतना बड़ा G20 हो गया, ये जो सारी बातें हैं ये राष्ट्रवाद की जो भावना है, पुलवामा का आपने देखा होगा, पुलवामा के नाम पर लोगों ने वोट दे दिया। तो दूसरा जो वजह है, बड़ी वजह है कि राष्ट्रवाद की एक भावना को बढ़ाकर उसके आधार पर लोग भाजपा को वोट मिलता है। तीसरा, एक बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी जिनको सरकार की अलग अलग योजनाओं के, चाहे शौचालय का हो, किसान स्वनिधि का हो, घर बनाने का हो, जिसको सीधे सरकार, केंद्र सरकार पैसे भेज रही है। और चौथा, जो बीजेपी का अपना संगठन है, उस संगठन की जो ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल मसल पावर है। अब आप RJD से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 2-4 करोड़ रुपया पैसा देकर तब आते हैं चुनाव लड़ने, क्योंकि जो पार्टी आपको टिकट देगा वो पैसा लेता है। अगर आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं तो भाजपा वो पैसा आपको दे रही है कि भैया आप जाइए और अच्छे से वहां जनसंपर्क कीजिए और चुनाव लड़िए। तो इन चारों विषयों पर कम से कम 4 में 3 अगर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे, हिंदुत्व के सामने कोई बेहतर विचारधारा होनी चाहिए, राष्ट्रवाद जो भाजपा का राष्ट्रवाद है उससे बेहतर राष्ट्रवाद आपका दिखना चाहिए, लाभार्थी के लिए, लोगों के लिए जो भाजपा कर रही है उससे बेहतर लाभार्थी का आपका मॉडल होना चाहिए, और जितनी ताकत भाजपा की ऑर्गेनाइजेशन की संगठन की जमीन पर है उसके मुकाबले का संगठन खड़ा होना चाहिए। जब तक इन 4 में कम से कम 3 बातों पर आप बेहतर प्रयास नहीं करेंगे तो 10 में 7 बार 8 बार आपको हार का ही सामना करना पड़ेगा। एक दो जगह जहां जीत हासिल हो भी जाती है उसका कोई बहुत असर नहीं है। कई लोगों को लग रहा है भाई कांग्रेस तेलंगाना जीत गई, कर्नाटक जीत गई, ये वोट कांग्रेस को नहीं मिला है, यह वोट वहां की सरकार के खिलाफ है। लोग KCR के खिलाफ वोट करना चाहते थे, वहां से दल के तौर पर कांग्रेस ही है तो कांग्रेस को वोट मिल गया है। प्रो इनकम्बेंसी का जो वोट होता है, जहां आपकी सरकार है और फिर अगर आपको लोग चुने तो फिर बात है। तो जब तक कांग्रेस के लोग इस तरह का प्रयास नहीं करेंगे तब तक उनको सफलता नहीं है। जिस राज्य में पानी की बहुतायत है, पानी बहुत ज्यादा है, उसको आप प्रबंधन नहीं कर पा रहे। तो मैंने जैसा आपको बताया कि रोड के एक किनारे पानी साल भर लगा हुआ है और दूसरे किनारे की क्या जो खेत है वो सूखे से प्रभावित है। जलकर यहां है लेकिन उन पोखरों का, उन तालाबों का कोई उपयोग नहीं है। मैं जब मधुबनी में आया तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, उसने एक वीडियो बनाकर भेजा कि मैं मधुबनी का बिहार का मखाना अमेरिका में यहां वॉलमार्ट के स्टोर से खरीदने आया हूं और उसका दाम बिहार में देश के करेंसी में 8,000 रूपये प्रति KG हुआ। अभी मखाने का यहाँ भाव कितना मिल रहा है किसानों को? 600 रूपये, जो कि बढ़ा हुआ भाव है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों को यहाँ 8,000 रूपये मिलने लगेगा, लेकिन जैसे आप सुधा में दूध देते हैं, अमूल में दूध देते हैं, अगर दूध की कीमत 100 रूपये है तो उसका करीब करीब 60 से 65% किसानों को, जो दूध पैदा करने वाले हैं, उनको मिलता है। मखाने का दाम 7,000-8,000 रूपये KG है मार्केट में बाहर देश के, और किसानों को मिल रहा है उसका 10% या उससे भी कम। अगर 30% भी उसका मिलने लगे, 40% भी मिलने लगे, तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि मधुबनी जैसे जिले में, दरभंगा जैसे जिले में, जहां हजारों एकड़ जलकर पहले से बने हुए हैं, वहां के लोगों को कितना फायदा हो सकता है। यही हाल आपके यहां मछली का है। 50% से ज्यादा मछली आज भी दरभंगा मधुबनी में आंध्र प्रदेश से आकर बिक रहा है, और मधुबनी अकेले में 31,000 एकड़ में सिर्फ तालाब और पोखरे हैं। जब सरकार का कोई नजरिया ही नहीं इन चीजों को देखने का, सरकार तो आपको जातिगत सर्वे करा रही है, समाज को बांट रही है, कभी पिछड़ा को तो पिछड़ा, तो पिछड़ा को एनेक्सर 1 को एनेक्सर 2 लड़ाओ, और यही रेवड़ी बांटो, 400 रूपये पेंशन दो सबको, अनपढ़ और मजदूर रखो,
400 रुपया के नाम पर दारू शराब के नाम पर लोग वोट देते रहे, बढ़कर यही प्रयास है।